आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। निकाय के आम चुनावों में बोर्ड की सदस्यता के लिए 3 प्रत्याशी पी क्यू आर आर चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं, इनमें से प्रत्येक को कितने वोट प्राप्त हुए? क्या बोल रहा है? बोर्ड की सदस्यता में 3 खड़े होते हैं, तो पी, एक क्यू, एक आर। आगे देखते हैं पहला क्या कह रहा है हमारा। पहला कहता है पी को क्यू से 17 वोट तथा आर से 103 वोट अधिक प्राप्त हुए। हमारे को ये कह रहा है कि जो पी को वोट प्राप्त हुए वो क्यू से तो 17 ज्यादा हुए और पी को आर से 103 ज्यादा हुए। क्या ये बताने के लिए ठीक है, पर्याप्त है कि किसको कितने वोट पर्याप्त वो प्राप्त हुए? नहीं। दूसरा वाला पढ़ते हैं। डाले गए कुल मतों की संख्या 1703 थी, मतलब कुल मतों की संख्या हमें दे रखी है, कुल दे रखे हैं, जिसमें P, Q, R तीनों के आते हैं, तो मतलब P जमा में Q जमा में R पता है 1703। इसको देखते हैं हम कुछ आगे निकाल सकते हैं। P को लिख सकते हैं R जमा में 103। अगर हम P को लिखते हैं R जमा में 103 जमा में Q जमा में R बराबर है 1703। हम Q को क्या लिख सकते हैं? जमा में 103 जमा में Q को क्या लिख सकते हैं? P घटा में 17 जमा में R बराबर है 1703। हमारा इससे भी मान प्राप्त नहीं हो रहा। नहीं, हम P को ये भी लिख सकते हैं R जमा में 103। तो R जमा में 103 जमा में P को क्या लिख सकते हैं? R जमा में 103 घटा में 17 जमा में R बराबर है 1703। हम इसको निकालते हैं। R, 1, 2 R, 3 R, ये हो गए 3 R जमा में 103, 103 ये हो गया 206 घटा में 17 बराबर है 1703। 3 R किसके बराबर हो गया? 1514 के। क्या हम यहाँ से R का मान निकाल सकते हैं? 1514 बटा में 3 लगभग R आ गया 504.6 आएगा, तो मतलब 505 मान लेते हैं। तो हम यहाँ से P का मान निकाल सकते हैं। P कितना हो जाएगा? 505 जमा में 103, ये कितना हो गया? 608। तो P और R का निकल गया। अब P को क्या लिख सकते हैं? Q जमा में 17, Q जमा में 17, P 608 है घटा में 17 बराबर है Q, Q कितना आ गया? 591। ये इनका कुल मिलाकर बन रहा है 1704। लगभग यहाँ पे 1703 है, तो ये 504 लेंगे तो भी उत्तर हमारा सही आएगा। तो ये हमारा इसका मतलब तीनों को मिलाकर हम अपना पूरा हमारा मान निकाल सकते हैं। अब हम अपने विकल्पों पर चलते हैं। पहला विकल्प गलत है, दूसरा गलत है। यदि दोनों कथन 1 और 2 मिलाकर प्रश्न देने के लिए आवश्यक है, तीसरा विकल्प सही विकल्प है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।